connected. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. Hello guys, welcome back to the stream. Today we are doing some co-op RP by look at this handsome boy. This is Simba Bali Rao on duty. जिनको कुछ पता नहीं है उनके लिए ये सरप्राइज है. देखो ये हम आज से कॉप आरपी में आ गए हैं भैया. हमारी कल ट्रेनिंग भी हो गई है, उसके लिए बहुत डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहे हैं हम. वीडियो जब आएगी तहलका मचाएगी मार्केट में, समझ रहे हो. ये गाना ज़रा इरिटेट कर रहा है बस. ये बॉय मिस्टर सिम्बा इज ऑन ड्यूटी बॉय. चलो जो जो बंदे नए हैं दो मिनट रुको, मुझे चार्ट देखनी है दोस्तों. अभी टिक करके देता हूँ तुमको. अभी आज का टाइटल थंबनेल कुछ अच्छा नहीं है मेरे को पता है, लेकिन मुझे करना पड़ा. व्हाई अरे भाई ये क्यों लैग हो रहा है. लैग तो नहीं है ना, यहाँ पे सब ठीक है. मोबाइल कौन से नशे कर रहा है भैया. All good, yeah boy. भाई एक ही बंदा देख रहा है, वो भी शायद से मेरा चैट वाला भी है. टू प्लेबैक्स ओके. हेलो लिख दो कोई, अगर कोई दूसरा बंदा है तो. मॉड्स ये सही है. ऑन ड्यूटी जाएगा
Dispatch, this is 501 1041. 10-19. Sir, 1020 कहाँ पे? Returning to 1019. I'm waiting at PD. Jain sir. Jain. चले सर. सर एक कैप पहनना जरूरी है क्या सर? सॉरी क्या कह रहे हैं? कैप पहनना जरूरी है? अगर आप व्हीकल में नहीं हैं तो हाँ जरूरी है, आपके यूनिफॉर्म का पार्ट है वो. जी जी. आपका नेम क्या है? सर मेरा नाम सिम्बा वाले राव सर. ओके सर. आमोर सर हो ना? राइट राइट. भाई पहला दिन है ड्यूटी पे सर. ये हाँ जी बोलिए. ऑफिसर की गाड़ी दिख रही है मुझे यहाँ पे. कहाँ पे? यहीं पे आपने लेफ्ट में एग्जैक्ट. वो काला जादू है वो. मैं कर सकता हूँ इसको इम्पोर्ट? नहीं नहीं, वो काला जादू है वो. अच्छा. और कोई ऑफिसर नहीं है ड्यूटी पे? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहे कोई. सर आप कितनी सर्विस दे चुके हैं अब तक? हम शहर में कभी भी आ जाते हैं. नहीं, कितने साल की सर्विस हो चुकी है आपकी अब तक? अभी दो तीन महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए. अच्छा. बहुत तरक्की कर ली सर आप, सीनियर हो गए. तरक्की बहुत जल्दी कर ली सर आपने. सर मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से आप भी काम करो, आपको भी मिलेगी. जी सर. हमारी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ सही है. ओके. सर हम कल ट्रेनिंग से घर गए, हमारे घर वालों को बताया. तो हमारे घर वाले एकदम खुश हो गए सर. प्राउड मोमेंट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा. अरे 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 मुबारक हो. अरे सर ये लोकल ही है ना? हाँ हाँ. आप कल किसके साथ थे कोड वन पे? जी सर मैं शाम को नहीं आया था सर. okay. मेरी ड्यूटी सुबह में थी. ओके ओके ओके. नगर सिटी में कोई है क्या? नहीं, सारे ही गायब है.
और बताइए आपने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या रहता है आपका सीखने को, मतलब क्या क्या रह गया आपका सीखने को? मेरा सब हो गया? नहीं सर, मैं आज फ्रेश आया हूँ सर ड्यूटी पे। ओके ओके ओके, कल ट्रेनिंग के बाद आप आए आप? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी ड्यूटी शिफ्ट आज आज लगी है ना, तो राइट राइट, हम रात में नहीं आते सर। ओके समझ रहे हो सर? समझ रहा। अरे आया करो रात को, असली रात को ही आता है, लेकिन अभी क्या करे सर, दिमागी भी ड्यूटी होती है ज़्यादा बड़ी इससे भी। अरे हम वो जो तुम दिमाग की ड्यूटी कह रहे हो वो हम अब भी कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं अभी सर। क्या है आपकी दिमाग की ड्यूटी बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, फ्यूल डलवा लें सर, चिपक रहा है सर आपका शायद से। मैं जंप करता हूँ एक मिनट। सर मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लेता था। जिम पे जाए सर? जिम पे जाए क्या सर? अरे सर क्या हो गया, गुस्सा हो गया सर। अरे सर आप कूद के बैठने वाले थे। अरे वो थोड़ा जोश में आ जाता है कई बार। जिम पे जाए क्या सर? अभी बारिश, रुकने दो। जी सर फिर चलते हैं, और इतने पीढ़ी चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जी सर मैं आपको वहाँ पे बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जी जी सर। कल कॉर्डवन पे बिल्कुल नहीं थे आप? नहीं सर, मैं ट्रेनिंग के बाद चला गया ना, तो फिर उसके बाद आया नहीं मैं सर। बैठो बैठो। ओके, दो तीन बेसिक रूल्स हैं, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जिस अभी आप आपको अलाउड नहीं है एक व्हीकल निकालना। जी जी। आपका जो कमांडेंट, हेड ऑफ द कमांडेंट है, वो आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है जी सर। तो तब तक आप व्हीकल नहीं लगा सकते और कोड वन पे नहीं जा सकते। जी सर। आप किसी के साथ राइड अलोंग पे ही जाएंगे? जी सर। और जिसके साथ भी आप राइड अलोंग पे जाएंगे उस टाइम वो आपका कमांडेंट होगा। जी सर। उसकी परमिशन के बिना आप गाड़ी से में से भी नहीं उतरोगे। ओके राइट। एंड हमेशा आपके हैंड में स्टन गन रहनी चाहिए। जी सर। ओके मेरे को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, हम अंदर बैठते हैं। हर समय मतलब सर जब कोई सिचुएशन हो तब ना। ऑफिसर अंदर आ जाओ। तो मैं बता रहा था कि बिना जो आपका उस टाइम जो कोड वन कर रहा है, उस टाइम जो हेड है उसके बिना आप गाड़ी से भी नहीं उतरेंगे जब तक कि वो आपको कमांड नहीं देता उतरने की, बिकॉज आपको अभी इतना पता नहीं है सिटी के बारे में। जी। कि कब कब कौन है, कौन क्रिमिनल है, कौन कैसे बिहेव करेगा आपके साथ, पता लगे आप हम अंदर बैठे हैं और आप उतर गए, आपको उतरते ही आपको गन पॉइंट कर लिया। जी जी। राइट नाउ यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। जी सर। समझ रहे हैं? और सेकंड चीज़, आपके हाथ में हमेशा टेजर रहना चाहिए, बिकॉज जो भी आपका कमांडेंट है वो ड्राइव कर रहा है, या फिर आपको अगर ड्राइव करने के लिए देंगे तो हम निकालेंगे। जी सर। मतलब हमेशा मतलब हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, सिचुएशन आएगा सच। अच्छा सिचुएशन आते ही टेजर आपके हाथ में रहना चाहिए, ताकि अगर मैं किसी को 1080 के लिए रोक रहा हूँ, 1080 समझ रहे हैं? हाँ जी सर। पुल ओवर ना? हाँ, उसके लिए अगर मैं किसी को रोक रहा हूँ तो मतलब मैं एक बार गाड़ी में ही रहूँगा, आप उतरेंगे, आपके हाथ में टेजर रहेगा। जी सर। हमें नहीं पता वो उतरते ही आपके गन पॉइंट कर दे। ठीक है जी सर। सेफ्टी के लिए रहेगा, मैं नेगोशिएशन के लिए जाऊंगा, आप पीछे बैकअप के लिए रहेंगे। जी सर। टेजर इन योर हैंड, पॉइंट नहीं करना है, सिर्फ इन योर हैंड। ओके
सेकंड चीज, सेकंड थिंग्स, जब भी लाइक आपके पास एक सस्पेक्ट है, लाइक आपको मैंने गाड़ी दी है, आपके पास एक सस्पेक्ट है, आप हाँ? मैंने बोला कि उसको पीडी लेके जाओ, तो आप उसको कहाँ लेके, कहाँ से लेके आएंगे? सर सीधे पीडी के रास्ते आऊंगा सर, लेकिन जो पीड़ी में कहाँ घुसे? पीछे सर, बैक साइड सर, मुझे कल बताया था। हाँ हाँ, कभी भी सस्पेक्ट को आगे से नहीं लेके जाना है, रेदर देन आप उसको डिटेन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी सर, इन कंडीशंस में आप उसको आगे से ला सकते हैं, नहीं तो सस्पेक्ट हमेशा पीछे से आएगा। और थर्ड थिंग, ऑलवेज लॉक द पीडीज डोर, कोई भी डोर आपका पीडी का ओपन ही रहना चाहिए, ये सामने वाले दो डोर छोड़ के पास। सर अभी मैं गया था अंदर, सब मैंने सब ये लॉक किया, ये भी लॉक किया अंदर, पीछे आपके पीछे वाला अभी मैं लॉक करके गया था, किसने अनलॉक किया? मैंने सर। अच्छा, आपने अनलॉक किया था? हाँ, फिर से मैंने लॉक किया, फिर से मैंने। हाँ, गुड गुड। कभी भी कोई भी डोर लॉक अनलॉक नहीं छोड़ना, बिकॉज आपको, हमको पता है कि हमारा पीडी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखे हैं यहाँ पे। जी सर, समझ रहे हो ना? अंदर हमारा स्टैक है, गन्स वगैरह है, सब कुछ है, तो अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए। जी सर, ये 13 पीडी के रिगार्डिंग, बाकी आपको जैसे धीरे धीरे आप काम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जी सर, सब धीरे धीरे चलेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। जी सर, जी सर, अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अपने सीनियर्स से, आप आपके भी अभी स्टार्टिंग है। जी सर, जी सर, आप आपसे भी हम सीखेंगे सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आपको मतलब आप हमेशा रहते हो ड्यूटी पे, तो आपसे ही ज़्यादा सीखने को मिलेंगे सर, रैदर देन और कोई। अरे वो एलियंस आ रहे हैं जो बाहर का, हम वहाँ के कल रात को 8 बजे आए थे। जी सर, आप अब तक हो? सुबह के 4 बजे गए हम। अरे भाई सर, और अब फिर ड्यूटी पे। सर सैल्यूट है सर आपको। चेंज सर, और कुछ मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कुछ सिटी के बारे में? या सिटी के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, कोई भी आपका वो नहीं है। जी सर, रेदर देन जिसको आप बिल्कुल पर्सनली नहीं जानते हो, उनके अलावा आपका कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है? सबको फर्स्ट थिंग, हमेशा पुलिस का सबसे पहला कीवर्ड होता है कि सबसे रिस्पेक्ट से बात करें, चाहे वो एक क्रिमिनल है, स्टार्टिंग आपको रिस्पेक्ट से ही करनी है। डजंट मींस कि आपको पता है। अरे 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 अरे, सॉरी सर, सॉरी सर, मसल फ्लेक्स हो गए, कतई मार दो हमें। जी सर, जी नहीं सर, आइए हम भी मारते रहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने तो मुझे मारा है, बैंडेज दो सर, कमांडर को पेल देते हैं। नहीं बैंडेज नहीं, सार्थक भाई, हाय हाय हाय, आपके सीनियर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, बहुत आपकी केयर करेंगे, कोई बात नहीं, चल रहे हैं सार्थक, हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो हेल्पफुल। जी सर, जी क्या कह रहा था सर? 10:35 पे सर कॉल आए, ग्रू स्ट्रीट हाउस रो गई होगी, होगी नहीं जा सकते वहाँ पर रेंट के। सर ये कैसे आप, हम कैसे ये कर सकते हैं, मतलब वो क्या, हम कैसे ये डिसाइड कैसे किया आपने अभी इसका कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते? एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ वही वही सर, वही सर, वही बताएं सर मुझे। हाँ लोकेशन का जैसे आपको पता होता है कि इस लोकेशन पे शॉट फायर हुआ है, आप नीचे लोकेशन भी तो लिखी आती है ना, तो हमें पता है उस लोकेशन पे और क्या क्या काम, काले काम होते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट थिंग आपको शॉट फायर पे जाना अलाउड नहीं है, रेदर देन आपके साथ कोई सीनियर या यूनिट नहीं है। जी सर, सेकेंड चीज़, आप हाउस रॉबरी में नहीं जा सकते विदाउट इन्फॉर्मिंग योर सीनियर, और कोई आपके पास यूनिट नहीं है उसके अलावा, उसके अलावा आप नहीं जा सकते वहाँ पे। बहुत ज़्यादा शॉट्स फायर हो रहे हैं, एक सेकंड में देख के तो नहीं, वो आउट ऑफ द सिटी है, आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे मैं पहन लेता हूँ। एंड आप सिटी के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ अभी?
अच्छा, नहीं आप कभी भी सिटी के बाहर नहीं जाएंगे जब तक आपका हाई कमांड आपको परमिशन नहीं देता। इसकी परमिशन तो आपको मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को भी अपने हाई कमांड से बात करनी पड़ेगी अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हैं तो। रादर देन आप प्रिजन बस में किसी को लेके जा रहे हैं, दैट टू इन्फॉर्मिंग द सुपरवाइजर। एंड अभी आप प्रोबेशन पीरियड में हमारे कमांडर हैं, सिंगम कमांडर, आप उन्हीं के अंडर हैं अभी। हाँ उन्हीं के अंडर है अभी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इंजॉय करो, पुलिस पुलिस है, इंजॉय करो, रिस्पेक्ट द सिविलियंस, रिस्पेक्ट एवरीवन, गर्ल्स बॉयज एवरीवन, रिस्पेक्ट देम, क्रिमिनल्स क्रिमिनल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते हैं उसको तू तड़ाक कर दें। हाँ पुलिस वाले हम, इंसान तो नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, इंसान होते सर, अगर वो इंसान होते तो ये क्राइम नहीं करते ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सुनना चाहता था मैं आपसे, हम पुलिस वाले हैं, हम अपने सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं तो हम। अरे अरे बिल्कुल, सबका नेचर हम एक देखते ही पता लगा लेते हैं, अभी तक तो ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। कोई भी चीज़ का इश्यू हो तो बताओ, अपने सुपरवाइजर को बताओ, जो भी आपका ऑन ड्यूटी ऑफिसर है उनको बताओ, ठीक है? कोई भी इशू हो बिना हिचकिचाए बताओ, बाकी हम तुम्हें अगर परमिशन मिली तो हम ट्रेनिंग देंगे तुम्हें फायरिंग वगैरह की। अरे हम आपके डिपार्टमेंट के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है? 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 3 ऐसे कर देते हैं हम। जय हिंद जय हिंद। मसल पे मतलब? नहीं, वो लिखना पड़ता है वहाँ पे। कैसे किया है आपने? हाँ हाँ, आ रही आ रही है। तो क्या करें, क्या टी पे लिखना है? हाँ तुम बोलो, मैं लिख देता हूँ, बोलो। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ, अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, रुको रुको, कोई आ रहा है। हेलो ऑफिसर। तो जो सल्यूट है वो सल्यूट लिखना है उसमें, इमोट बाइंड में। पूरा लिखना है सल्यूट के लिए, जो पूरा लिखना है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सुनो 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 अरे सुनो सुनो सुनो, जो पूरा लिखना है ना, NUM 7 पे लिख करेंगे हम, तो जो पूरा लिखना है ना हमें टीम टीम असल में, वो मुझे पूरा स्लैश मी में लिख के दे दो।
ये नहीं हो रहा, ये तो सेट तो हो गया वो, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं हो रहा। अरे हमें लिखा आया कि सेट हो गया। नम 7। कौन से? 369। 369 ना? अरे अरे अरे, नशे करा दिए। यस सर, माय नेम इज ऑफिसर शॉकिंग सर, शॉकिंग सर, शॉकिंग सर। जी हाँ सर, हम तो कब से आए थे हम, फिर सीनियर ऑफिसर नहीं तो हमें परमिशन नहीं ना बाहर जाने की, तो फिर से हम ऑफ ड्यूटी चले गए। मैं देखा, मैं देखा, मैंने दो दो ही दो ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नोट पैड और सल्यूट। तीन करे हमने, कोप टू और नोट पैड और वो। अरे ये क्यों? अरे नहीं, हम वैसे कोप टू यूज नहीं करते। हम जब हम बात करते किसी से बिल्कुल आराम से खड़े होकर तभी यूज करते हैं, वैसे हम यूज नहीं करते। नहीं, अब कोप टू ही रखिए। ये थोड़ा फ्रैंक हो गया ये ना, समझ रहे हैं? खड़ा जाना, आओ सकिन बाहर आ जाओ। हो गया आपका? चले कोड वन पे, हाँ जी सर, कोड वन। अरे एक बार डॉर्स देख के आओ, डॉर्स लो के सारे। हाँ मैं देख के आ रहा हूँ। ठीक है, बैठो बैठो। सीट बेल्ट, टेन एंड वन मोर थिंग, बोथ ऑफिसर्स, अननेसेसरी रेडियो में नहीं बोलना है आपको। लाइक अगर आप साथ में ही खड़े हैं, आसपास ही खड़े हैं, तो रेडियो पे नहीं बोलना है। रेडियो का वो कम करने के लिए, डिस्टरबेंस कम करने के लिए, समझ रहे हो आप? फोर समझ रहे, समझ रहे। वो सीधा गया पिलबॉक्स के, वहां मुड़ा है। मेरे को क्यों लगा वो मुड़ा है? नहीं, सीधा गया। अरे 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 ऑफिसर, हाँ
क्या बोल रहे हो आप? चेक प्लेट का मैं दिखाता हूँ आपको, चल पीटी जाके दिखाता हूँ। ट्रैकर का यू यू मसल दबाइए, यू मसल दबा के आपका एक खुल जाएगा आपका, ठीक है? वहाँ पे नंबर प्लेट डाल के सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपका ट्रैकर आई ट्रैक ट्रैकर लग जाएगा। और ये 10 मिनट के लिए होता है ट्रैकर ना सर। मतलब सर भी और फ्रैंकली कि सामने वाले की गाड़ी का नंबर प्लेट लेना है, नंबर लेना है, और हाँ अपने गाड़ी में यहाँ पे आके यूमसल फ्लेक्सर का नंबर डालना है और सर्च को। जरा रुको, मैं डिस्कॉर्ड पे जाके आया। हाँ जी। हाँ, वो आपको वहां पर भी दिखेगा। मोस्टली अगर सिचुएशन ज्यादा ये रहेगी ना तो दिखेगा, आता है वहां पे, समझ रहे हो? नहीं, मोस्टली अगर कुछ रहा होगा इनसे या फिर कंटिन्यूस होता रहेगा तो वहां पे आएगा। नहीं तो शायद नीचे जब आते हैं ना तो एक लोकेशन भी आता है उसके राइट साइड में, लोकेशन के हिसाब से जा सकते जीरो नॉट और कर अवे कुछ आया वो। अभी एक मिनट में देख, मैप अपग्रेड करना पड़ेगा इसकी बात को। दूसरा मैप भी आता है जिसमें नाम आते हैं लोकेशन के, समझे हो? छाप के पास, मेरे पास अब कब आए? अपन सिम्बा ना? अच्छा, सिम्बा भाल रहा हूँ। पोर्ट्स हो गए यार कुछ? थोड़े थोड़े हो गए। सोचिए ये जैकेट कब उतरेगी? कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगी ट्रेनिंग तो उतर जाएंगे, काबिल हो जाएंगे वो लाइक, समझ रहे हो? सिम्बा वहां से म्यूट करो अपना, वहां से म्यूट करो। मतलब सर इधर से? नहीं नहीं वहां से, वहां से ईमेल से। अरे हाँ ठीक है, मैंने इसकी परमिशन डाली है, कोई हाँ जी सीनियर आता है तो मैं परमिशन लेता हूँ उसको। ये जो शॉट्स फायर हो रहे हैं बार बार उस तरफ, जी जी अरे आप लोग ना वो रेडियो छोड़ दीजिए वहां से ना। शौकीन जी हाँ। वो रेडियो छोड़ दीजिए वहां से ना। नहीं मैंने वो दूसरे इस पे रखा है, उसमें नहीं रखा है, जब समझ रहे हो? मेरा ठीक है ठीक है ठीक। नॉर्मल अलग है और रेडियो अलग है। टर्न 4। टेन फोर अरे किसकी गाड़ी खड़ी है? अरे हेलो रेडियो चेक। टर्न फोर कहाँ पे हो? हेलो
ऑफिसर। कौन आया अभी? Officers, give me your head counts, please. Officers, head count, DJ, please. Hello, dispatch. This is Officer Escobar. This is Officer 507 Escobar going on duty. 10-4-1. 10-4. Thank you.
हेवन है ये इसका वैलोरेंट चालू हो गया अरे मैं भी आरआर वैलो रे अकेले अकेले मत खेलो ओ भाई मेरे पे साइड 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 से चार ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी है ना जी आप दो दो का पेयर में एक डॉज दो दो के पेयर में दो डॉज निकाल लीजिए और कोड वन पे जाइए एक डॉज सर बाहर हाँ एक एक डॉज निकाल लीजिए आप एक डॉज में यस सर हेलो बोल बताइए अरे सर एक चलो 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 पार्ट से अरे एक मिनट सर आप हाँ बोलिए बोलिए ऑफिसर शौकीन आप मेरे साथ आइए हाँ इधर आ जाइए थोड़ा सा इधर आ जाइए वो उनके साथ जा रहे हैं ना लॉक कर देना गेट और शॉकिंग जी चम टम चम फॉर 5 मिनट्स एक बंदा आ जाओ मेरे साथ हमारा नाम अर्जुन सिंह राठौर हाँ हाँ मतलब तो अभी पीढ़ी से निकले ना अंदर डिस्पैच code 6 near the PDM and at the mechanic shop you know where the mechanic shop yeah yes. Code 6 for Mr. Rampal he's a suspicious guy okay just talk him gently take him to the PD all right and then call PDM manager all right okay I'm going to PDM with the plus one Are officer number ऑफिसर फायर डिस्पैच 10-3 पीडीएम मैनेजर्स को मत बुलाइएगा आप ठीक है उनको लेके आइए उनसे पूछताछ करिए कोई कफ नहीं करेगा नॉर्मली उनको पूछताछ करनी है वहीं पे पूछताछ कर लेना अगर आपको करनी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे पीडीएम में लेके आए वहीं पे उनसे पूछताछ कर लीजिएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ठीक है सिम्बा ना सिम्बा तो ये कह रहा हूँ नाम क्या बताया सर ने हेलो रामपाल ओके नहीं नहीं पीडीएम मैनेजर को उन्होंने अटेंडेंट हम हाँ हम मैकेनिक के पास जा रहे हैं हाँ आप मैकेनिक के पास जाइए वी आर गोइंग टू पीडीएम 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 अरे आप ठीक है पीडीएम पीडीएम अरे ऑफिसर सिग्नल की तोड़ है फर्स्ट राइट फ्री आप राइट ले सकते हो Cars are pretty fast. के नाम बोल लीजिए नहीं बोल रहा हूं आप भी कॉल दे दीजिए सिम्मा ओके वो कहां गया अच्छा 10-3 का मतलब क्या होता है मैं भूल गया आप गूगल मैप पे मार्क कर दीजिए नहीं नहीं रुक जाओ इन्होंने दे दिया ना मैकेनिक शॉप जा रहे हैं ना ये तो मिल नहीं रहा मैकेनिक भाई ग्रीन क्यों नहीं हो रहा ठीक है भाई क्या नाम था आपने सुना था क्या नाम
क्या था? हेलो ब्रदर, क्या नाम? रामपाल को ढूंढना था इनको। लॉक दे तो अपने से कस्टमाइज खरीदना पड़ता पड़ता खरीदना पड़ता था $100। $100 दिस इज ऑफिसर 507 10-3 10-3 ऑफिसर, आपने 10-6 किया था यहाँ पे, तो उसका सस्पेक्ट का नाम जानना था। मिस्टर रामपाल मैकेनिक के आप कोई नहीं है आपको आप पीडीएम पे उन्होंने अटेंडेंट कर दिया ना कि नहीं पीडीएम मैनेजर को नहीं जाना और के काम पर चले क्या उन्हीं के पास एस्कॉर्ट करना है। Going 10-42 10-4 10-4
यहाँ पर ये हेलो सर हेलो हेलो सर सर काइंडली टेक योर व्हीकल साइड ओके साइड में लिया पार्क कर दो नहीं नहीं ठीक है कोई ना सर कैन यू टेल मी योर नेम बेटर है ये इजी नो प्रॉब्लम बेटर है नो प्रॉब्लम नहीं ओनली जनरल नॉलेज ओके सर काइंडली टेक आउट टेक योर गन इन नहीं जा रही सर ये काला जादू है मेरे साथ तो आपका नाम क्या है सर मेरा नाम रिकी बेल कैन यू शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड यस यस बिल्कुल 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 सर एक मिनट दिखा देता हूँ ओके थैंक यू सर हैव अ नाइस डे हैव अ नाइस सेफ ड्राइव सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कोई नहीं सर हाँ सर मैकेनिक के पास ही जा रहा भाई इन्होंने अपना नाम नहीं बताया यार मतलब कोड साइन इन्हीं को स्ट्राइक मिली है ना नहीं नहीं इन्हीं को मिली है वाह यही है इन्हीं को स्ट्राइक हाँ कल इन्होंने गंदा पिट कर दिया था सिटी में ही यही है क्या सस्पिशियस This is Officer 505 on the Cinder Roll returning back to 1090. This is Officer 504 reporting 1090 plus 1. ये सस्पिशियस है नहीं मैं तो अभी जस्ट है पीडीएम से मैनेजर से पूछताछ किया नहीं पीडीएम मैनेजर को मना कर दिया था सर ने ना सेंटेंस नहीं उन्होंने मना कर दिया था वो बोले थे पता मतलब टास्क पीडीएम को नहीं करना पीडीएम का नाम ही नहीं आना है नहीं आइए सर नीचे हां सर चलिए हेलो डिस्पैच वेयर इज द सस्पिशियस पर्सन बैठ जाओ सर वहां पे जाके एकदम सही हां ये हां सर तो सर अब सीन ऐसा है ना कि हाँ. आपके ऊपर निकला है वारंट किस चीज का वो हमारे ऑफिसर बता रहे हैं एक सेकंड हां बताओ सर This is Officer 507 Escobar. Suspect के ऊपर क्या ये है? बताइए. इस पर उनसे सिर्फ नॉर्मल. हाँ सर, वारंट तो बताओ. मैकेनिक शॉप के यहाँ पे क्या कुछ सिनेरियो हुआ? किसको मार दिया हमने? क्या हुआ था? वो नॉर्मल गुस्सा थी. आई थिंक कि तू किसी को बता नहीं है क्या हुआ. हाँ सर, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम है रामपाल यादव. सर मैकेनिक शॉप पे आपके हुआ था क्या सैंडी फेल में दैट व्हाट द सिनेरियो क्या सिनेरियो था सर हां मैकेनिक शॉप पे तो ये जो है ना हमारे क्या कहते हैं टकले अंकल हमारे पीडीएम
वो उनके तो नहीं सर, पीडीएम पीडीएम बोलिए, डबल हाँ 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 पीड हाँ अरे हम जानते हैं हाँ उनको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा अच्छा ठीक है लगता है। फिर बोलिए। हाँ नहीं मेरे सामने तो मतलब नॉर्मल बोलिए पीडीएम, मुझे नहीं हाँ पता कौन सा प्लेयर था तो कौन नहीं। पीडीएम है तो उनके हाँ बाल हाँ काट दिए थे इन्होंने, हमारे मैकेनिक सर ने, और इन्होंने क्या कहते हैं इनके नाम क्या है, दूसरे थे एक बैठे थे। हाँ हाँ हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो गाड़ी अपग्रेड कराने आए थे। तो वारंट बाल किस चीज का काट निकल दिए। गया? वारंट है, आई मेरे सीनियर्स ने बताया आपसे वारंट क्या क्या वारंट अवेलेबल। है? हाँ सर, सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हाँ नहीं, नॉर्मल, हाँ ये सीनियर आएंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा क्या किया आपने। हाँ अभी आप रिलैक्स नॉर्मल रहिए। आप अपनी तरफ से बता दीजिए सर जो हुआ है, नहीं 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 अगर कुछ कुछ नहीं भी किया है। होता है देखो कल तो से आई लेके थिंक अभी तक के हमने कुछ नहीं किया, सच किसी को बता कुछ दिए नहीं सर किया। तो हम लोग बचा सकते हैं हाँ आपको। वही तो, कुछ नहीं किया ही नहीं तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, किया रहता तो बता नहीं देते, हमको फंस नहीं जाएंगे हम, आपको तो पता ही होगा। हाँ वही बात है ना सर, वही तो, बताइए तो वी विल सेव यू, नो प्रॉब्लम। नहीं आपके चीफ से हम बात करें ना, क्या हमको हमको तो कुछ पता नहीं है, हमारे नाम पे कुछ भी फट जाता है कभी कभार। अच्छा, तो चीफ चीफ ने थो, जो सर चीफ थोड़ी ना ये वारंट की बात अरे है, हम पे तो किसी ने तो बाउंटी भी लगा दी है, अब ये बताओ अब कौन बाउंटी सी चीज की बाउंटी लगा दी है, पता नहीं। अब दुश्मनी उश्मनी होगी सर आपकी नहीं मुझे। नहीं 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 किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वारंट भी तो आप इस केस में की इन्वॉल्व बात कैसे कुछ हो होगी गए ये अंदर, बताइए सर। नहीं कुछ पता ही नहीं मैंने हमको, सर उनसे आप बताओ आप, सीनियर ने कहा था उन्हें नॉर्मल पूछताछ आपको तो करनी पता है ही होगा ना, क्या डिटेल हुआ तो है पता ही उसका, होगी वारंट की, क्या जब वारंट बोल पे गए क्या थे हम है क्या नहीं। छोड़ दिए, वैसे उन्होंने हाँ नॉमिनेट कर दिया। अभी हाँ ऑफिसर अंदर कौन इन्वेस्टिगेट कर राम, रहा अरे तुम्हारे को रामपाल को ढूंढना था कि राम भाव को है, ढूंढना जो भी था? ऑफिसर उनके साथ इन्वेस्टिगेट रामपाल, कर रहे हैं उनको हाँ बस रामपाल ये हम ही पूछो है कि उनको बोलो। ऑब्जर्व कर सकते हो क्या। वो बोले नहीं बस एक और नॉर्मल है है। राम भाव नहीं कर, नहीं 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 कुछ नहीं कर सकते, उन्हें नॉर्मल। हाँ तो सर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट हाँ नहीं ना है नहीं 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 कुछ सर, नहीं। अगर इन्वॉल्वमेंट इस केस में कुछ हुआ तो सर कौन फिर सा दिक्कत केस तो होगी, बताओ, अरे केस तो बताओ ये मैकेनिक भाई। से, मैकेनिक से ना रिलेटेड ना कोई ना केस ना है? कुछ नहीं, कुछ केस नहीं, कुछ भी नहीं है, चलिए बिल्कुल कोई भी नहीं नहीं। सर, हाँ नहीं अरे है तो कहीं पे भी दैट्स विल मिले बी ना, बेटर। कहीं पे भी मिले ना तो हमारी गाड़ी रहती है पलीटो के तरफ, हम घूमते रहते हैं ऐसे भी, हम मौसाजी की रिंग ढूंढ रहे हमारी, हेलो हाँ ऑफिसर, तो जो वही आके नॉर्मल हमको पकड़ सा लेगा। पूछताछ करके छोड़ दो वैसे बस, केकड़े वहां वेकड़े काम आके करते रहते हैं पकड़ आजकल, लो समझ सर अपना आई रहे हो? कार्ड एक बार फ्लैश कर दो हाँ। भाई, लॉबड़ी होगी भाई उनकी तो भाई। हेलो क्या हुआ? वन वन यूनिट काइंडली गो टू द ऑपरेशन। कुटा रॉबरी होते हैं। हेलो ओनली हेलो हेलो हेलो, आस्क एनी सीनियर अरे सीनियर अवेलेबल ऑन ऑन ऑफिसर स्पीकर। चीफ का पर ऑल चीफ, आर ट्रेनिंग। अरे यार मुझे बुलाया था 3 बजे ट्रेनिंग के लिए। हाँ तो एक यूनिट डॉश के साथ जो है तो मैं ले लेता हूँ ट्रेनिंग, आप क्या रिस्पॉन्ड जाओ। टू द सिचुएशन। थैंक यू, ऑन माय वे। दूसरे मैं ऑफिसर लूंगा के पास भी ट्रेनिंग। रहता है डाल लाऊंगी डाल लाऊंगी डाल लाऊंगी। डॉच निकालो ऑफिसर। यप जा सकते हैं, शायद डॉच में जा सकते हैं ना। हाँ जा सकते जा सकते, रुको मैं डॉच निकालता। हमको अरे डॉज की बाहर है, परमिशन मेरे है, पास बाइक बाहर के है। नहीं है, तो बाइक के नहीं जाना है हमको। अरे एक डॉज कार ना, अरे कुटे चल रहा। बाहर है बाहर है बाहर है। मार्क कर दो। हेलो डिस्पैच, एनी यूनिट रिस्पॉन्ड टू द रॉबरी और नॉट? डिस्पैच +2 भी बोल दे, +2 भी बोल दे। मनी अरे ऑफिसर्स मार आर करो देयर मार एंड हाउ करो मार मनी करो। यूनिट आर देयर? अरे रॉबरी होते कुट, टाइम आई थी इतने माई थी। स्पाई ऑफिसर्स आर देयर एंड टू यूनिट्स आर देयर। अरे रॉबरी नो होते एट कहां पे? 1090 हाउ मेनी देखना ऑफिसर्स आर देयर? टू ऑफिसर्स। आई एम जॉइनिंग यू, वेट फॉर सम सेकंड, आई एम जॉइनिंग द 1090।
बंद करना लाइट क्यों दाबून और चालू ठेवाई थी वे बंद थे वो आता क्या कर रही थे लाम वाले रहे रॉबरी ला अरे कैसा ची रॉबरी है घर ची अरे उतरो नो को ना सिचुएशन कैसा है बग फिरो गाड़ी जरा आजू बाजू ला ते फोर व्हीलर थाम ले ना एक तेजा कट गन चल हाउस रॉबरी का हाँ इतना जासन रे गाड़ी वाला गाड़ी ची सर्च कर जरा उतर एक ऑफिसर गाड़ी में रहो गाड़ी का सर्च कर लो नंबर नंबर प्लेट चेक कर लो और हेलो डिस्पैच हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर एंड दे आर इन फाइव फॉर हेलो डिस्पैच हेलो सर देयर आर द ऑफिसर्स ऑन द सिचुएशन ओके आई एम जॉइनिंग यू House robbery, sir. Jewelry robbery, I'm sorry. अरे jewelry robbery मनता थी. Jewelry? हाँ. Sir, not a jewelry robbery, it's a house robbery, sir. House robbery, sorry, sorry. We are going on code one. अरे अरे मैंने सर का jewelry robbery. Okay, sir. This is officer Mayapur. हेलो सर हेलो सर सर प्लीज पुल ओवर हेलो नियर बाय हेलो सर प्लीज पुल ओवर कीजिए सर हेलो सर स्टॉप सर वहां पे लोंडे पीछे पड़ रहे सर वो देखो वो सर रुक जा सर सर पीछे पड़ रहे सर फायर आप रुक जा सर 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 बचा लो सर प्लीज सर जी 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 मैं यहां पे हूं सर चार लोंडे सर चार लोंडे अरे हमको क्यों अरे व्हाट सर जी सर अभी सर आपके हाथ में भी गन था सर इसलिए आपको भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी नहीं सर मेरे हाथ में गन नहीं था मेरे हाथ में गन नहीं था चल पुड़ हाँ सर सर कर लो बट सर मुझे उन लोग से बचा लो सर वो चारों के चारों मेरे पीछे पड़े सर सर ये मुझे ना वो टोकोस का जॉब करता हूँ ना वो उसमें मिला था ज्वेलरी सर जो माँ के कहने सर माँ के कहने बंदा आपने उधर हैंडकप किया है वही बंदा फायर किया है शॉट्स इधर कोई नहीं है क्लियर एरिया ठीक है सर ये कर लो क्या थिंग डिस्पैच कुछ खास जी हाँ वो तो सही है बट ये मेरे माँ के कहने क्यों ले लिए सर ऑफिसर एक्सपर्ट हैं इधर व्हीकल अच्छा आ जाइए ऑफिसर और ऑफिसर पीडी को इन्फॉर्म कर दीजिए हम आ रहे हैं कितने बंद वो भी बता दो अपन
सस्पेक्ट व्हाट? यस सर, आपने शॉट्स फायर किए थे? जी सर, नहीं सर। और सर और सर, रिलीज पीडी के जाने के बाद हम बात करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। अवकाश गए ना? अवकाश गए, अवकाश गए, अवकाश गए। हेलो, इनको एस्कॉर्ट कीजिए बाहर। स्पेस जो अभी सस्पेंस पकड़ा गया है, उतर ना तू, उतर तू, उतर। आप लेके आएगा 10-4 सर। सर हम क्या करो ना, एक तो हाथ में दर्द हो रहा है, आपने वो क्या पहना है पीछे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, हैंड कफ। दिस इज ऑफिसर 505 ऑर्डिनेंस ग्रंडवाल रिटर्निंग टू 1019 विद प्लस 1 10-4 सर। सर इंक्वायरी कर, आपकी इंक्वायरी करनी है सर। नहीं नहीं नहीं, आपने उधर शॉट फायर किया था और उधर दूसरा बंदा कोई भी नहीं था सर। तो सुन लो, मेरी बात सुने बिना तुम देखो जेल में कैसे डाल सकते हो। आपने शॉट फायर किया था सर उधर, आप अकेले बंदे थे और आपके गन में, आपके हाथ में गन था। फायर कर रहे थे तो मैं हाथ में गन लेके भाग रहा था, तो उधर बंदे ही नहीं थे सर। अरे तो सर वो गाड़ी में थे, तुम समझ रहे क्यों नहीं हो? आप पहले तो बोले सिर्फ बंदे थे, अभी गाड़ी में है बोल रहे हो। एक सेकंड ऑफिसर, ऑफिसर लेट मी स्पीक। आपने जहाँ पे बोल रहे थे कि शॉट, मतलब आपने बोल रहे थे कि बंदे गाड़ी लेके भाग गए वहाँ पे, हाँ। आपके शॉट्स फायर किए सर। हमें जब कॉल आई कि वहाँ पे हाउस रॉबरी हो रही है, वहाँ पे आने के बाद हमें पहली बात कोई गाड़ी नहीं दिखी वहाँ पे। सर आप कहाँ थे, आप मेरे को बताओ आप कहाँ थे? सर हमें रिस्पॉन्ड आया था कि सर आप जहाँ पे थे ना, हम वहाँ से 500 मीटर भी नहीं, 100 मीटर की दूरी पर थे। सर्च कर, चलो सर्च कर। हाँ, इलीगल भीड़ था कबाब। सर हमारे पास ये क्लियर करो। सर हमारे पास ये था सर, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी, सीसीटीवी में देखा फोन। सर उनके पास से दो वीड मिले, वीड सर, रॉय रॉ सर। सर इलीगल है सर, सर क्या इलीगल सर उनके पास? दो पैकेट वीड है सर। रुको, आपको मैं ये दे रहा हूँ, उसके पास से मिला ना, तो आप उसको वो भी डाल लिए। ये देखो, ये मिला उससे ली। ओके ओके, मेरे ख्याल से इसको सर कोई नहीं सर, इसका इतना कोई नहीं। छोड़ दे उसे, नहीं कुछ भी नहीं हमारे पास वैसे सोचने गए तो। छोड़ दे, चल छोड़ दो, छोड़ दो। मेरवाना वगैरह कौन कह रहा था? सर नीचे इंटरेक्शन रूम में आ जाइए। हेलो, हेलो सर, उनके पास, उनके पास कैनपस बी के दो पैकेट नहीं मिले, तो कोई है क्या इलीगल? 10-4 10-4 सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने व्हीकल रॉबरी का ट्राई किया था और उनके पास से दो कैनिबाल निकाले, दो कैनिबाल को प्लान व्हीकल रॉबरी नहीं, शॉट्स फायर किए थे व्हीकल रोकने के लिए, लेकिन चली गई। ठीक है, और हम वहीं पे हाउस रॉबरी का, हमें ये आया था।
कॉल तो हम वहाँ पे देखने के लिए गए थे, तो हाउस रॉबरी के लिए सस्पेक्ट है और तो व्हीकल मतलब शॉट फायर के लिए। सो अपने हाउस रॉबरी पे रिस्पोंड किया था, ऑलराइट दिस टाइम इट्स फाइन बट नेक्स्ट टाइम प्लीज हाउस रॉबरी पे कोई रिस्पोंड नहीं करेगा सर, हमें ऊपर से आया था। वहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे डेंजर होते हैं, वहाँ पे जाना अभी हमें भी अलाउड नहीं है। ओके ऑलराइट, मैं भी जाता हूँ तो परमिशन लेके जाता हूँ। रेडियो पे ऑर्डर आया था सर, हाँ सीनियर से ऑर्डर आए हैं तो ठीक है। हाँ सर, हाँ जी बोलिए। क्या मिला इनके पास? मेरी जेब में डालिए जो इनको इनके पास मिला, मेरी जेब में डालिए। हाँ बोलिए, कौन क्या कह रहा था इनके पास? सर जैसे हम भी लोग अवेलेबल हैं, जैसे ट्रेनिंग अवेलेबल हैं और मान लीजिए जल्दी शॉप रॉबरी होती तो और हाँ आप जाएंगे, सारे जाएंगे, लेकिन आप हाउस रॉबरी में नहीं जाएंगे अभी ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग सीनियर हाउस रॉबरी में जाएंगे। इफ वी हैव 1090 अदर सिचुएशन देन यू विल ऑल रिस्पॉन्ड देयर। ऑलराइट, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आपने चार्जेस वगैरह कुछ लगाए? नहीं ना, कुछ नहीं लगाया। तो इन पे क्या चार्ज है सर? सर मेरे ख्याल से इनको कुछ नहीं कर सकते सर, इलीगल कुछ भी नहीं सर, वैसे सोचने का सिर्फ ये दो के अलावा। अरेस्ट करके क्यों लेके आए हैं? अरेस्ट करने करके नहीं सर, इनको पूछताछ करने के लिए आए थे। अब ये हाउस रॉबरी को मारा है ना, ऐसे अब किसी को भी अरेस्ट करके जेल में नहीं ला सकते सर। ये कैनबिस भी, कैनबिस में इनको बात कर लेता हूं। कि आपका नाम ऑफिसर? ऑफिसर एस्कोबार। ओके ऑफिसर एस्कोबार, दिस टाइम आई एम गिविंग यू वार्निंग, नेक्स्ट टाइम आपको स्ट्राइक पड़ जाएगा इसके लिए। ऑलराइट ठीक है सर। सर मतलब अगर वहाँ पे इन्होंने शॉट्स फायर किए और हाउस रॉबरी, अगर इन्होंने शॉट्स फायर किए देन यू हैव ऑल राइट्स टू डिटेन हर, टू अरेस्ट हर। अगर इन्होंने शॉट फायर किया था उधर, हां फिर ये अकेले बंदे थे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को लग रहा है आप कह रहे हैं कि ये वहाँ पे खड़े थे इसलिए आप इनको अरेस्ट। ना ना ना, नहीं सर, शॉट फायर करके भाग गया। शॉट फायर किए तो अब भी मैं इनको थर्ड डिग्री देके आता हूं। रुको सर, मेरे पास भी डंडा है। नहीं नहीं, आप सारे बाहर रहिए, इनको हैंडकफ कीजिए सर पहले, मैंने कफ करके रखा सर। हेलो हेलो, ये मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, मैं कर रहा हूँ सॉफ्ट कफ। रुक जाइए, सॉफ्ट कफ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप हार्ड कफ करेंगे शॉर्ट कफ कफ करेंगे। आपको आराम से बात करिए सर, आराम से बात करिए, चिल्लाइए मत। आपने शॉट्स फायर किए हैं, ठीक है, आपने गन फायर किया है, ठीक है, आपको कोई ये नहीं बरता जाएगा आपने कि आपके साथ इतना ईजी बरत। सर आराम से बात करें सर, हमारे ऑफिसर्स ने भी बोला है ना, उनके सामने आपने शॉट्स फायर किए। अनकफ कैसे किया अपने आप? मैंने कोई अनकफ नहीं किया सर। आप नीचे के सर, रेडियो से सर, डिस्पेंस वायर नॉट क्लोजिंग द डोर, ऊपर चलिए जल्दी, फोन लास्ट में आया था यार, जल्दी ऊपर चलिए भाई। ठीक है भाई, डोर खोल के आ जा, स्ट्राइक करवाएंगे वे ये लोग। डोर किसने खोला? सबसे पीछे से नहीं यार, सबसे लास्ट पता नहीं। अमोर सर ही आए थे, अमोर सर। साइलेंस गाइस, आपका नाम सर? 305 रिपोर्टिंग 1041 10 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
ऑल राइट, आप अंदर ये मारो। अरे एक सेकेंड, सीनियर के नेम के पास में लॉक करो इनको। टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने शॉर्ट्स फायर किया, यहीं रखो इनको और ऊपर आ जाओ। सारे सारे ऊपर आ जाओ, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो, सारे ऊपर आ जाओ। सर वो बोल रहा है बाहर मिलो। उनको वहीं रहने दो, बोलने दो। ऑफिसर मॉलिक, सॉरी माइल्स सर, कहाँ पे आप? एक हाउस ओवर किया और उन्होंने सब तक किया। मेरे को बात करनी है। हाँ मैं जरा एक टू का काम करके आता हूँ, कभी दिक्कत नहीं। ये बातें डर रहे हैं। बोल दो, बोल दो, रेडियो पे बोल। तुम भाई बहन को बुला रहे हो? अरे वो बोल सकता नहीं, बोल सकता कपड़े के बदले दिमाग भी बदल गया। दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, सुनो। अच्छा उस पर छोड़ने के तेल के
आ जाओ कि नहीं ऐसे लग रहे तो बता दो मैं दे दूंगी। ओ मैम एक्चुअली उनके काम में था इसलिए भेज दिया भाई। देखो एक अरे भेज दिया एक ऑफिसर से बात भेज दिया मैम। आप सो अरे आप सिचुएशन वो बता रहे हो कि जो इनको पकड़े देखने वाले को। हां मैं उसको ढूंढ रही थी गाइस। तो आप प्लीज जरा थोड़ा सा वहां पे बैठिए प्लीज। हां गाइस आपने उनको पकड़ा है कोई बाहर का आपको पूछ रहा है जो आप पता नहीं सकते भी रहो। किसी को अलाउड नहीं है कोई चीजें बता रही थी कि उन्होंने क्या किया। जेल में ना टेंपल व्हाट इट जेल में जेल में टेंपल। हाय मेरा भाई कितना दिमाग कर और जो भी और आएगा मेरे साथ नीचे और कोई नहीं आएगा जो भी थे ना। टेंपल लग रहा है वहां पे नीचे जाना पड़ेगा। ऑफिसर आप डोर लॉक करिए बाहर से। उसकी बिल मैं करवा रही हूँ ना मैं पैसे दे रही हूँ। अमोर का है अमोर अमोर का है मत करो। अरे अमोर का है इसको मोर बना के ना। अरे इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए ध्यान रखना। अरे अमोर का है शर्म आ रही है अमोर इन करी ले रहे हैं। हाँ मैं हूँ। ऑफिसर सिम्बा आप हो गए? हाँ मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा आप मेरे साथ थे ऑफिसर सिम्बा को थोड़ी देर पहले 10 10 गोडोन पे नहीं नहीं मैं तो इनके साथ राठौड़ के साथ था। मेरे साथ गोडोन पे मेरे साथ कौन था अभी जस्ट पता नहीं। अरे वही हो गया ना वही हो गया ना वही हो गया ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं वो तो मेरे साथ थे पीडीएम पर। पीडीएम हां नहीं मैकेनिक शॉप में कौन। अरे वो बाहर जो गया ना बंदा वो होगा शायद। आपका नाम सर? मेरा डिस्पैच दिस इज फॉर ऑटो रिपोर्टिंग 1045 10 10 10 मतलब आप तीन दो दो ऑफिसर मैं कह रहा हूं ऑफिसर कुछ तो आप वहां पे गए थे पीछे चेक किसके पीछे आप पीछे अभी कोड वन पे कोड वन पे कोड। हां आप मेरे साथ थे। आप सिम्बा हो ना? हां अरे मैं सिम्बा हूं मैं सिम्बा हूं। हां हां आप ही सिम्बा हो डाउट मत। चले पहले ही कुछ कर रहा है पहले ही जा रहा है। क्या हो गया सिम्बा बोल रहे थे आप? अरे क्यों पता है कुछ चीजें होती है जो नहीं करनी होती तो हो रही है मेरे से। हेलो हाँ जी मेरे से आपसे नहीं आपसे नहीं आपसे हमारे सबसे। हाँ हम अपन जो सब है ना जो सबसे कुछ गलतियाँ हो रही है वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ पहली बात अभी यहाँ पे आप सिटी की बात कर रही थी उनको सिचुएशन नहीं बताना चाहिए वो बोलना चाहिए हमें कुछ नहीं। नहीं नहीं मैंने तो नहीं बताया मैं वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि वो हाँ हाँ ये वाघ ने वाघ बोल रहे थे कोई बोल रहा था। नहीं 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 किसी का नाम मत लो मैं भी गलतियाँ करता हूँ। हाँ नहीं ठीक है कोई नहीं। और सेकंड थिंग स्टार्टिंग पीरियड में नीचे कौन गया ऑफिसर सीनियर ऑफिसर छोड़ दो। स्माइल्स गए स्माइल्स आर्मर है और वो जी स्माइल्स ओके ओके भाई क्या भाई कर सकते
नीचे एक जो जनाब का जिनको आपने अरेस्ट किया है उनको किस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था? कैनो ऑफिसर एस्कोबार जरा नीचे आ जाइए इंटरोगेशन रूम में। बोला ना इसको बार तो गयो बोला लाल देखो हम भी थे। अरे मैंने वहाँ पे देखो मैंने कब किया था, मैंने नहीं किया उसने कब किया उसको, और मैंने क्या बोला उसको इसको पहले सर्च करते, मैंने देखा इसको बस सिर्फ वो कैनिबिस थे। तो फिर मैंने कैनिबिस मुझे कंफर्म नहीं था ये है ही क्या नहीं, लेकिन पहले चीज वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जहाँ पे आपने जो सस्पेक्ट किया था, लेकिन आपने देखा नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या था, भाग रहा था वो चीज थी। सेकंड थिंग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वहाँ वही पर, आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है मतलब बातों से लगता है कि झूठ बोलता है या फिर उसके पास कुछ इलीगल स्टफ निकल रहा है कफ करके यहाँ पे लेके आना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, समझ रहे हो? सही है बहुत सारी चीजें रहती है। नहीं उन्होंने मना कर दिया ना कि आप अभी में जाने नहीं है, नहीं वो तो अभी छोड़ो वो मना किया वो तो नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी होता है। हाँ तो पहले वहाँ पर सर बताइए एक जन आइए ना सर प्लीज, मेरा गाड़ी पलटी हुआ है उसको इंफॉर्म करना है गैरेज के पास। मैकेनिक इंपोर्ट नहीं कर सकता सर, उसको भी बुलाया था सर। आप शायद पास मैकेनिक के पास वैन है जो गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं, हम भी अब इंपोर्ट नहीं कर सकते सर क्योंकि सिटी में अभी टोचम गाड़ी आया है। अच्छा हम लोग सीज व्हीकल जो रहती है उसे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर, हमसे इंपोर्ट करवाएंगे तो सीज हो जाएगी। कोई ना ठीक है फिर देखो, कोई तो गाड़ी से टक्कर मरवाओ सीधा हो जाएगा, मैकेनिक को बोला कि पहले तो वाग हां सुनील बता रहे हो क्या ये वाग का है ना भाई, क्या है क्या ही करे भाई, धक्का मार ले को बोलो या फिर कुछ कर ले, टक्कर मारो क्या होती है। हेलो अरे वो दूसरे गाड़ी से टच करने से सीधा हो जाते ना, उस दूसरे गाड़ी को भी नुकसान हो गया ना सर, वो उनका प्रॉब्लम भैया अभी बहुत बड़ा ये होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पे सब। अरे वो तो सादा सिंपल था, इतना क्यों टाइम लग रहा है? लेकिन कुछ बंदे कुछ रहते हैं लोग जो भाई सब्सक्राइब करना श्रीमान आर्मी। हाँ ये भी है, अगर उस बंदे ने बड़ा बनाया तो एक दिक्कत होगी और फिर आप अपने वजह से ना अपने सीनियर की भी नौकरी जा सकती है, समझ रहे हो? क्योंकि अपन तो ट्रेनिंग पे पहली बात सिचुएशन हैंडल कर रहे थे सीनियर को, ये भी है। अगर चीफ सर के पास पहुंचे तो चीफ सर सीनियर को निकाल देगा, अपने को कुछ नहीं, अपन तो ट्रेनिंग पे काम भाई सीख रहे थे, हम क्या बोलेंगे, हम सर सीख रहे यही बोलेंगे। चीफ सीनियर क्या बहुत खतरनाक है भाई, कैन आई हैव एवरीवन कम साइड एक्सेप्ट कामर एंड कॉर्पोरेट क्या बोला आउटसाइड रुकने को बोला अमोर किस अलावा, मतलब नीचे अंदर बोल रहे क्या? क्या हुआ बाहर रुकने के लिए बोल रहे अमोर के अलावा, अपने को यहाँ पे बोला है नीचे बोला है मुझे कंफर्म नहीं यार। नहीं वो हमारा साउंड जा रहा है ना नीचे। अच्छा गला जा रहा है हमारा आवाज नीचे, पर यहाँ पे बाहर है ना, बाहर हम ठीक बात करेंगे यहाँ पे बाहर, क्योंकि कोई भी लोग सुन लेते हैं आसपास। हाँ ये भी है, छोड़ो अब अपना काम करते हैं। अरे वो ऑफिसर अकेला चला गया, गला विस्पर पे रखो सब, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, इससे से बोले कैसे चलेगा क्या करे अभी रिस्ट्रिक्शन वाग भाई तू मरा तो भाई देखो लग रहा है एक दिन वाग ए वाग मैंने सुना तेरे को स्ट्राइक मिली कल
किस लिए स्ट्राइक किया था आपने? क्या पता कैसी स्ट्राइक, कोई तो बोल रहा हमारा नाम तगड़ो है क्या? सुनो सुनो सुनो, डिस्पैच पे क्या बोल रहे? अपने को नहीं बोल रहे, इनको बोल रहे, अपने को नहीं बोल रहे। डोर बंद करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग ऑफिसर सिम्बा, रिस्पॉन्ड प्लीज। 10-4 तो बेसिकली आपका कहना ये है कि ये ग्रूव स्टेट के एंड पे थे और आप थे टूल शॉप पे, आप आ रहे थे सामने के डायरेक्शन से और ये आ रहे थे पीछे के डायरेक्शन से बेसिकली। ओके, आप थोड़ा मेरे लिए खड़ा हो सकते हैं जी? एंड प्लीज फेस द वॉल एंड पुट योर हैंड्स अप, मैं एक बार अपनी सेफ्टी के लिए आपको सर्च करना चाहूँगा। ओके, जस्ट फेस द वॉल एंड यहाँ पे आ जाइए, फेस द वॉल एंड एक सेकंड। ओके डू, ओके यू हैव अ फायरआर्म लाइसेंस, दैट्स गुड। ओके Yeah, I'm checking that. Your name is Charlie, right? Yes. Or your job is taxi, right now. ठीक है सर, बैठ जाइए। Yes, we have confiscated two cannabines also. Two cannabines? I don't think so. Two cannabines. Yeah, that's not. Yes, sir. That's not comes in. Mm-hmm. Okay. We will return that. We will return. अच्छा, किसने सर्च किया था इसको? अरे अरे एक्चुअली नए न्यू ऑफिसर्स है ना सर, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। नो दैट्स नॉट अ इशू, न्यू ऑफिसर या ओल्ड ऑफिसर हो ठीक है, लॉस ऑफ सिटी सेम है और सबको सीख मिलनी चाहिए। गुड़बोले कौन है इनमें से, बोलिए जरा ऑफिसर गुड़बोले, एक बार बोलिए, आपने इनको सर्च किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, तो इनको कफ किसने किया था सीन पे? उनको बोला कि सर हम सिर्फ आपको आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको कफ कर रहे हैं और मैंने उन्होंने कफ किया। अरे सर सर एक सेकंड सर, सेफ्टी के लिए हम कफ कर सकते हैं बिकॉज देयर आर टू रीजंस इन इट। द फर्स्ट रीजन इज जहाँ पे आपको पकड़ा गया था वो ग्रूव स्ट्रीट एरिया है और आपको तो पता है कि वहाँ पे क्या कम्युनल क्लैशेस होते हैं ठीक है। सेकंड, आई एग्री सर। सेकंड थिंग इज इफ दे आर सेइंग कि आपके हाथ में पिस्टल थी सो दे कैन कफ यू फॉर योर सेफ्टी, दैट डजंट मीन दैट यू बीइंग अरेस्टेड। बोलिए आगे बोलिए सर। वहाँ पे शॉट्स फायर के हमें मैसेज आए थे सर, और नहीं सर, वो सब स्टोरी पता चल गई। हाँ, आप वहाँ से शुरू कीजिए जब इन्होंने आपने इनको कफ किया। हाँ सर, उन्हीं के हाथ में पिस्टल थी और पिस्टल देख के हमने फिर कब कर दिया और सर्च किया और कैनबिस की दो पैकेट्स दो दिखे हमें, तो मेरे को सस्पिशियस लगा सर उनको, उसके वजह से मैंने उनका हैंडकप किया और मैं बोला कि बाकी बातचीत हम पीडी जाके करेंगे सर। ओके, तो आई गेस आपने एकदम सही किया है, अगर इनके हाथ पिस्टल है वहाँ पे शॉट्स फायर आए हैं जो भी है, आपने उनको सेफ्टी के लिए वहाँ पे आप खुद के सेफ्टी के लिए एज वेल एज लॉ के सेफ्टी के लिए आपने उनको इस पीडी में लाया। ओके पीडी में लाने के बाद क्या इंटरोगेशन हुई सर? वहाँ से आगे सर इन्होंने किया सर, अमोर सर ने इंटरोगेशन किया था आगे का सारा। ओके अमोर, कैन यू कंटिन्यू आफ्टर दैट? नहीं अमोर सर तो वहाँ पे थे ही नहीं। तो किसने इंटरोगेशन की सर? मुझे पीडी में बंद करके हार्ड कफ करके, मैं यहां पे वहां घूम भी नहीं सकता, मेरे को पीडी का बंद करके सारे सारे सर। अमोर सर सीनियर अवेलेबल थे तो वो मैंने उनको बुलाया और सर हम निकल नहीं गए थे सर, हम यहीं पे थे, हम डिस्कस कर रहे थे सर यहां पे कि सर आपके साथ क्या किया जाए। डिस्कस कर रहे थे, मैं आवाज दे रहा था कि हार्ड कफ निकालो, जेल बंद कर दो हार्ड कफ सर। सर इतना पेशेंस लेवल तो होना चाहिए सर आपने। सर देखिए हम आपकी सेफ्टी के लिए सर, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं है सर। एक काम करते हैं ठीक है, एक काम करते हैं। फर्स्ट थिंग सर, आप ऐसी जगह पे पकड़े गए थे जहाँ पे शॉर्ट्स फायर का पुलिस को ही आया था एंड अगर आपके हाथ में गन है और अगर आप वो एरिया में है तो पुलिस इज राइट टू कप यू एंड डिटेन यू। ओके यू, आई गेस आप अरेस्ट नहीं हुए थे इसके कारण आपको अब तक सज़ा नहीं दी गई है। आई ऑल्सो कैन सी कि आपके खिलाफ आई डोंट थिंक सो कि ये लोगों ने कोई भी सही तरह से कार्रवाई की है, बट दैट डजेंट मीन कि आप गलत नहीं हो ठीक है। ऑल्सो कि इंटरोगेशन में इतना टाइम बर्बाद हो गया है ऑलरेडी, आई डोंट नो कि उसमें से क्या वैलिड पॉइंट निकला इंटरोगेशन में से, बट
एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको कफ करके या किया गया है, पहली बार तो आपको इंटरोगेशन रूम में लाना चाहिए था. आई डोंट नो व्हाई यू हैव कैप्ट इट इन द सेल्स. ठीक है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अपोलॉजी फ्रॉम माय साइड. ओके, ऑल्सो यू हैव बीन इन द जेल फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई थिंक दैट अकाउंट्स टू योर कम्युनिटी सर्विस. बट आपका जो आपको एक फाइन तो जरूर मिलेगा बिकॉज यू आर कॉट इन अ ग्रोव स्ट्रीट सिचुएशन जहाँ पे शॉट्स फायर हुए थे. सो यू विल गेट अ स्मॉल फाइन एंड ऑल्सो वार्निंग कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्रोव स्ट्रीट पे जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो मेक श्योर यू डोंट गेट कॉट इन सिचुएशन अगेन. वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो. हाउस रॉबरीज होती है, प्लीज सब्सक्राइब करना ब्रो. सो अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए अगर आप गन रख रहे हो तो बात ठीक है. ठीक है, बट अगर पुलिस की कहीं पे भी तो जस्ट मेक श्योर कि इफ यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट केस आप थोड़ा पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करें. ओके सर, मैंने कोऑपरेट करने की कोशिश की, मैं मेरी जान बचाने के लिए पुलिस के पास भाग रहा था. तो सर अगली बार से मैं पुलिस के पास नहीं जाता. ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए मैं सीधा फाइट ले लूंगा उन लोग से, मेरी जान भी चली जाएगी. सर फिर आपको ईएमएस के लिए ईएमएस के पास जाना पड़ेगा जान बचाने. देखो ना, मैं जान बचाने के लिए जिनके पास भाग रहा हूं वही मेरे जान के लाले लगा रहे हैं. सर इट्स नॉट कि आपके वो जान के लिए आले लगा रहे, इट्स लाइक कि अगर आपको वहाँ पे पकड़ा गया तो आपको पीडी के जब इंटरोगेशन के लिए लाया गया. बट द रॉन्ग पार्ट ये हियर इज कि आपको सेल में नहीं डालना चाहिए था, आपको यहाँ पे इंटरोगेट करना चाहिए था, विच आई एग्री. ओके, और जो भी पीडी की कार्रवाई है ऑफिसर्स पे की जाएगी, बट उन्होंने वहाँ पे जो किया वो एकदम सही था. ओके, नाउ यू कैन गेट अप एंड कम अलॉन्ग विथ मी. ठीक है, ओके सर, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल फाइन एंड अ वार्निंग जिससे आपको भी ये चीज का एहसास हो कि थोड़ा आपको ये करना है. डिस्पैच ऑफिसर 525 वी आर रिस्पोंडिंग टू द सिचुएशन विद प्लस 1. I have given you a $500 fine. आपको आके हेलो डब आप अगर इसको अभी फिल कर योर मेरा कोड दे लो तो आ जा. हां जी सर, आ जा. ऑलराइट ऑफिसर अमर, जस्ट मेक प्रॉपर यू प्रॉपर कर ले. क्या स्टोर रॉबरी? रिलैक्स बस, रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स. चलो चलो मैं लॉक करता हूं. अरे तीन तीन मत. सर मेरे साथ आइए. एक और बात आपको बोलनी है सर, सुन रहे हैं मेरी बात? सर आप क्या कर रहे हैं सर? देखो अभी ये जो सिचुएशन थ्री डिस्पैच थ्री डिस्पैच टेन थ्री थोड़ा अच्छा. तो ये जो बात थी सर, ये यहीं पे सॉल्व होती है. तो एक ही रिक्वेस्ट है, एक ओ सी बात सर, कि बादलों में जाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा. ठीक है, जो सामने जो ऑफिसर खड़ा है उसका भी फ्रस्ट्रेशन. रिस्पोंड करिए ऑफिसर, यहां क्यों खड़े हैं आप? रिस्पोंड करिए जी. अर्जेंट अवेलेबल थे सर, लेकिन गाड़ी तो मतलब डॉज निकाल के जाइए कि अगर आपके साथ कुछ गलत है फिर ऐसा हुआ तो अभी सर क्या करें सर हम? अरे क्या करे, जाए या ना जाए? अरे जाए, कैंसिल करे. अरे सुनो, हाँ जाऊ दे, काही जायची गरज नाही, तसं पण म्हणतो तो कोणीच नाही आहे. कॉल आला तर जाऊ, विचारून घ्या ना एकदा कॉल याच्यावरती डिस्पॅचवर. वही आगे लगता Code for? Yeah. Robbery is canceled and no one is right now.
बाहर खड़ा हो। अभी ज़्यादा वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो, सब्सक्राइब बढ़ाओ बे, सब बोले हमारा। अरे अमर सर कहाँ पे? अमर सर तो उधर थे नीचे गैरेज में। सर हम कोड वन पे जाए? अपने साथ एक और ऑफिसर को लेके जाए। सर आप आपके साथ बोल रहे हैं? मैं भी ऑफिसर माइल्स के साथ काम है मुझे, आप जब जाइए। जी 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 जी, चलो वाक। यस चलो। वाग मैं निकाल रहा हूँ, रुको। यार माझे हाथ में गाड़ी नहीं करना है, कार। देख कौन थी गई चीज, पुलिस चार्जर ना। हेलो वाग, अरे वाग, अरे चार्जर गई थी ना? हां चार्जर गई थी ना, चार्जर। अरे ते काय बुलडॉग, काय ते बुलटा बुलटा काय ते ती गाडी गे फोर व्हीलर। अरे ते येतात ना वापस, तूच बोल बाबा, मला बोलता येत नाही, कॉल कसा द्यायचा सांग ना। तर +1 +1 आपण पेट्रोलिंग वर चाललोय का? ओके हा कोण आहे उड्या मारतो? अरे
हां का टिकटॉक स्टार है काय हा इतका कशाला स्लो येतोय काय इश्यू असेल डोकं पडतंय त्याच हा हॅलो सर आवाज आ रही है हमारे आपको हॅलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है प्लीज एक बार सिटी छोड़ के वापस आ जाओ प्लीज हॅलो सर आवाज आ रही है चल तो वो चल जरा हॉस्पिटलला जाऊन यायचं का माझं हेल्थ जरा घे जरा हॉस्पिटलला हॅलो सर आपका नाम क्या है सर कैसे चाल रही है शहर में आप नए हैं क्या पुलिस में अरे सही है क्राइम मेरा नाम राठौड़ प्रेम राठौड़ सॉरी प्रेम राठौड़ कैसा चल रहा है क्राइम वगैरह सिटी में कम हुआ कि नहीं क्राइम वगैरह कम हो रहा है कि नहीं अरे अरे सही है ठीक है चलो चलता हूँ जरा ते कुठेतरी घे बाजूला जरा गॉगल घेतो मी पण कसली स्ट्राइक कशाला नाही मला कशाला पडेल स्ट्राइक मी बिअरच नाही पिलं काल हा मला कशाला स्ट्राईक पडेल बरं मी तरी चांगलंच केलं सगळं काम काय मला कोणी काय कंप्लेंट दिलंच नाही हा हा लेजन बँक बोल ना नाही परत एकदा आमचं लोकेशन सांग त्यांना पुढेच घेतलं असतं तर ते कपड्याच्या दुकान मध्ये ग्लास घेतला असता आपण
स्ट्राइक्स वा ए स्ट्राइक कशामुळे येतात सिटी मध्ये हां हां ओके काय म्हणू म्हणजे रेडिओवर काय बोलू नको म्हणला तुम्ही अरे हे नाही कसं बोलणार ना ना मला वाटलं स्ट्राईक पडले म्हणताना स्ट्राईक आले म्हणताना काहीतरी चांगलं आलं असेल आजच्या कामात ते वंगळ असतं म्हणून मला आता कळलं तसलं काय आलंच नाही म्हणजे मला आलं तर मला कळेल ना मला माहिती होईलच की मला तर आता पण कळलं नाही आणि काल रात्री मज्जा आली मी तरी चीप सोबतच होतो तर बाकी माझं काय आम्ही एक जिम क्लास जॉईन केलं तिथं तिथं केलं का तू जॉईन हा आणि तिथं एक रुपयाला पाण्याची बॉटल भेटते आणि एक रुपयाला चॉकलेट भेटतात जेणेकरून त्याच्यानं एकदम तुझं भूक मिटून जातं पूर्ण दोन चॉकलेट मध्येच हा आणि तुला प्रोटीन शेक भेटतं आणि ते जे एकच पिलं तर तुझं पाणी पूर्ण ताण भागून जातं त्यामध्ये आणि ते पण एकच रुपयाला तर त्यामुळे मी काय केलं एक 70 चॉकलेट परचेस केलं आणि 70 प्रोटीन शेक आणि 70 पाण्याची बॉटल सगळं परचेस करून आणलं आता काय करू आणि जाऊन जरा जिम बिम केलं व्यायाम बियम केलं जिम जॉईन केलं तिथं हा ते तर आज आणि डॉक्टर पण आले होते आणि ते एक मॅडम पण आली होती अमोंग सर आले होते ऑफ ड्युटी अमोर सर पण आले होते ऑफ ड्युटी असताना त्यांच्या गर्लफ्रेंडला घेऊन आणि महत्वाचं पेट्रोल आम्ही दिलं पाहिजे पेट्रोलचे पैसे आयच्या का ठीक असले पेमेंट तरी $700 फक्त यावेळी ऑफ ड्युटी गेल्यानंतर मी एक टू व्हीलर घेणार आहे फिरण्यासाठी ऑन ड्युटी जाऊन घेऊ मग हा अरे माझ्याकडे आहे ना एस एम ऑफिसर फाय ऑफ गोइंग फॉर अ कोड 1 प्लस 1 मी आहे सिटी मध्ये आले आले घेऊन ठेवलंय तू ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून घेतलं का तेच मी पण तेच केलंय
काय मला कोडच मला मी बघितलं पण नाही अजून कोड ते हळूहळू आपण आपणच कळतात आम्ही किती पण वाचू ते लक्षात राहत नाही ते आम्हाला आता हे आता आम्हाला रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट कधी जाणार आमची आपली ओके मग आपले रिफ्लेक्टिव्ह जॉकेट गेल्यानंतर आपल्याला महत्वाचं म्हणजे एक दोन तीन खबरी पण ठेवले पाहिजे जेणेकरून जास्त ते टोकोवरती क्लिअर आहे ना सगळं कारण तिथं गर्दी असते सिग्नल वरती थांबायचं असत आज मला कळलं अगर आदि का हमारा जरा जानकारी निकालो तो पता चलेगा कि हे सिटी के सबसे बड़ा कोक्या डॉन था मिस्टर का तब तो बड़े बड़े डील कर चुके हैं हम कार जला था अरे काइंडली चेक द नंबर ऑफ द किसके नाम पर रजिस्टर्ड है व्हीकल अनोन सर नॉट रजिस्टर्ड हाँ सर एक जगह खड़े हो जाइए सर हेलो हाँ सर तारिक की भिड़ा रहे थे पहले मुझे अरे सर हमें अर्जेंटली जाना था अर्जेंटली जाना था सर आप बड़ी गाड़ी छोड़ाएंगे लो को छोड़ेंगे हमारे एक्चुअली मेरी बीवी की तबीयत खराब है इसलिए अर्जेंटली जाना था उसमें नो है रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर क्या हुआ सर सर देयर वाज अ पर्सन हु वाज सीटिंग अ व्हीकल ऑन वाइलिंग इट सो वी आर तो सर आपके पास कुछ लीगल आइटम तो लॉक तो होगी आपके क्या सर सर क्यों करते हैं ऐसा कमी होता है अरे सर टैक्सी वाले को बुलाए थे पर आए नहीं क्या करें अभी तो पैदल चले जाते साइकिल से चले जाते साइकिल तक ही जाने वाला था मैं आप इनको कंटिन्यू कीजिए सर आप इनको कंटिन्यू कीजिए गाइस आप सर मैं आपको ऑफिसर इधर आइए आप अपना कोड 1 जारी रखिए Dispatch, do not perform 4-6 near your tanker, alright? Go on some another location, alright? If you need any backup... Sir, there is a person who has stolen a vehicle, he has a lock, so should I take him to the PD? Turn 4. Okay, sir.
चल ना सिग्नल आता ग्रीन होऊन मग रेड पण झालं परत. हे काय रस्ता ठरवून असतो का आम्ही उगा कुठं पण जाऊ शकतो. चल मस्त फिर तिथे काय एल एस पी डी मध्ये बोर होतो. तिथे गाडीनं उडवलं का काय. नाही गाडी धडकली ना. मला खंबेला धडकले नाही दिसले पुढे क्रॅश पडलं. अरे पुढे धडकले बघ खर्चटला कोपराला. हा पण मला हा पहिल्या वेळात केलं वाटत. मी किती वेळा केला असेल कमीत कमी 4 वेळा घेतलं मला. आखी ते सराच गाडी फोडून टाकलं होतं फोडून मागून कुठं पण टोकलं होत. काल रात्री एक ज्वेलरी शॉपची रॉबरी होती. दोन्ही आपण ट्रेनी होतो आणि चीप एकटे. तर काय आता चीप मी इकडून चाललोय गाडी घेऊन त्यांच्या मागे मागे ट्रॅकर लावलं होतो. तर माझ्यासोबतचा ट्रेनी काय केला तो हॉस्टेल सांभाळायला लागला तिकडं. मी एकटा काय करू त्याला. मी नॉर्मली त्याच्या मागे मागे चाललो होतो आणि तिकडून चीप बघितला ट्रॅकर आणि आला सीधा त्याच्या थोबड्या पुढून गाडी सोडवलं बाजू. तो म्हणा लागला सिटी मे ऐसे कैसे कर सकते हो आप. हा डायरेक्ट पीट डायरेक्ट रस्त्यावरून डायरेक्ट गाडी त्यांची उडून गॅरेज मध्ये. हवेमध्येच होती गाडी. हॅलो कमांडर सर यू आर इन द सेल आंटी ना बिंटी ना भारी लागलं गाडीवर आईच्या का. हा 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 तेच तरी काय करतात काय माहिती कुठे. 21 लोक आहेत कुठे नक्की. 21 काय करतात माहितीये का सगळे नीट म्हणजे नीट जसं व्हायला पाहिजे तसं होत नाही यांचं. कुठं तरी गोळा होऊन एकीकडेच थांबलेले असतात. हा आता बघ आता नॉर्मली कुठं असतं माहितीये का ते ह्याच्याजवळ असतील बघ. आता पीडी ऑफिस मध्ये एवढे असतील आणि गॅरेज मध्ये एवढे असतील. हा तेच तरी आता माझ्या जेव्हा मी पण होतो तेव्हा किती 10 गाड्या घेतले 3-4 दिवसात. हो 1.5 लाखची पण गाडी फुल अपडेट आहे हार. आता त्यातले 1-2 मला इकडे घेता येत नाही का. तरी पण विचारला असेल. कुणाला
मला ठुकले आणि वाढतंय पुढलं हे पण उडलं इंजिनवरला तुला दिसत नाही मला दिसतंय पण मला ते आपण पेल बॉक्सच्या खाली बॅक साईडला गेलो होतो ना ते वळताना ते सिग्नलला ठुकली गाडी असं दिसली मला ओके म्हणजे माझी झोप नीट नाही झाली वाटतं अजून आता नोकरीवरून कमवणार भरपूर पैसा पहिलं तर पेमेंट एकट म्हणजे असं गुंतून ठेवणार आणि एकच गाडी घेणार आणि ते पण भारीवाला घेणार गॅरेजला चल बघू चेक करून घेऊ एकदा गाडी हा अरे नाही चल तरी चल त्यांना बघू रिपेअर करता का नाही तेव्हा कळलंच की हॉर्न मान तर साईडला घेऊ सर जरा साईड मे ले लो प्लीज सर वो लॉक है वो हम उसी को खोलने के लिए कह रहे हैं अरे नहीं आपको मेरी गाड़ी घुमा दी इसने मत जाओ उठा लो उसे सर ये रो रहे पता नहीं इनके साथ मैकेनिक ने गाड़ी लेके गया था रिपेयर के लिए ठीक है मैकेनिक बोला स्लॉट फुल है तो मैंने क्या किया राइट में जाके गाड़ी लगा दी वो मैकेनिक ने मेरी गाड़ी इम्पोर्ट मार दी देखो पुलिस ऑफिसर भी आ खड़े कुछ नहीं कर रहे मैं जा रहा हूँ छोड़ो अरे अरे रुको सर जिंदगी पुलिस है ना ये करेंगे अरे फ्लेक्स हो गया फ्लेक्स हो गया फ्लेक्स हो गया फ्लेक्स सदमे में आ गया सर ये सर पटक रहा अपना दीवार वो भाग गया सर सदमे में पागल पता नहीं क्या करे अरे सर ऑफिसर हैं ये आपकी हेल्प करेंगे अरे ऑफिसर आपकी हेल्प करेंगे हेलो आ जाओ नहीं नहीं मेरे को मालूम ही नहीं तू कौन है कैप्टन अमेरिका को नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को मालूम ही नहीं अरे जल्दी करो ना रे मैकेनिक हो गया आ गया आ गया देखो हां बोला बोला एक मिनट अरे सर एक काम करो ये गाड़ी बेच दो आप सिचुएशन में लाते ही नहीं हो इसको अपनी अपनी वो कैडिलैक लेके आ जाते हो हमारी फटके हाथ में आ जाती है अरे तो तुम कैडेट्स हो क्या अच्छा अरे तुमको ये गाड़ी देते हैं वो तुम्हारे ऑफिसर कैडिलैक पैडिलैक लेके आ जाते हैं हमारी फटके हाथ में आ जाती है क्या बताए तुमको अरे हमारी कल गाड़ी ठोक दी ना जोर से फिर हमने बहुत झगड़ा किया तुम्हारे ऑफिसर के साथ फटके तो हमारी सीट आ गई थी हमारे हाथ में हाँ पकड़ के रखी थी ना उसकी बेल्टे वेल्टे निकल गई हाँ ऑफिसर बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ मैक्स का है भाई चल ना यार मैक्स चलो ना ए मां कसम हां ऑयल लीक हो रहा है ऑयल ऑयल सेंट आ रही है कैस्ट्रो ऑयल की सेंट आ रही है इंजन ऑयल लीक हो रहा है मैं नहीं मारा कुछ नहीं कहता अबे भाई साहब V8 स्मॉल ना V8 V12 ऐसा नहीं होता हेलो अच्छा हाँ आपका तो V12 ही है ना पीछे इंजन है ना V12 ही रहेगा मजाक थोड़ी है पीडीएम के बाहर जी जी
हाँ ये V8 हेलो सर, क्या आप नीचे उतर सकते हो? शिकायत कर रहा था सर, मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ अंदर मत लाओ, गाड़ियाँ ज्यादा अंदर लाने से सर वो टंकी पड़ी है वहाँ पे गैस की, उस पर अगर टच हो गई गाड़ी तो बॉम्ब ब्लास्ट होएगा, सारे मर जाएंगे सर, जान ज्यादा जरूरी है ना फिर यहाँ गाड़ी, तो वही इसलिए मैंने गाड़ी इम्पाउंड कर ली सर, जान हमारी ज्यादा जरूरी है। अरे ठोक दो ठोक दो। हेलो सर, क्या अर्जेंट है आपको? क्या अर्जेंट है? हेलो, कितने अर्जेंट है? अरे सर मुझे जी आपके हो गए 130। वेट कर लो, हमारी गाड़ी को ठोक दिया आपने। ज्यादा कुछ नहीं, इंजन ऑयल थोड़ा कम हो गया ना तो मैंने चेंज कर दिया। यार वेट कर लो यार, जब गैरेज का मैकेनिक बुलाएगा तो बोल दो। अरे सर तो टाइम मत मिले आप। ओके सर आ गए, थैंक यू। इतना टाइम मत मिले। आपको बता दूंगा, अभी आप देख ही रहो, भीड़ लगी पड़ी है। मैक्स मैक्स जल्दी करो भाई मेरा, जल्दी करो। बग टोकली होती ना झाली आता रिपेयर, मग ते ठोकलीच नसले असते तर त्यांना रिपेअर केलंच नसतं ना। मला आता झाली नीट सगळी गाडी बरोबर चकाचक। कशाला थांबवला गाडी कोणीच नाही, आम्ही पण इन्फॉर्म करू शकतो का गाडी? ओके okay, आणि ट्रॅकर कसं लावायचं मला सांग। ओके okay. 10 मिनिटांसाठी नाही, जो ट्रॅकर लावलेली गाडी लांब जात नाही तेव्हापर्यंत आय होप। मी काल ट्रॅकर लावण्यासाठी के मशाल प्रेस करत होतो खूप वेळा। हो सगळी सिटी खूप शांत आहे ना। हाँ डायरेक्ट उड़ीन मग शॉर्ट फायर्ड, कुठेतरी शॉर्ट फायर झाली। ओके पण मला सांग ते कसं कळणार की कुठं शॉर्ट फायर झालं? हाँ चल चल चल
लाओ लो लाओ लो 502 रिस्पोंडिंग टू मैकेनिक सर 104 निवंतत सर मैकेनिक शॉप लो कहा था तो जात असेल ना गाड़ी घेऊन तुझी गाड़ी फुटली असेल आपण चल आपण आपलं काम करू सर ग्रीन सिग्नल पढ़ ली कसं द्यायची माझा कॉल सायनच नाही भेटलं मला अजून नाव घेऊन हा तेच म्हणतो कसं द्यायची मिस्टर वा डिस्पॅच मिस्टर वा गोइंग टू जी प्लस वन ओके काय चुकलं अरे ही गावर आहे भेटत लोक अजून पण हेलो हेलो डिस्पैच दिस इज ऑफिसर 505 कॉन्फ्रेंसिंग गोइंग टू द पीडीएम फॉर सम इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल त्या आदला असं बोललं पाहिजे होतं गोइंग टू जिम इन सम अन्य धान्य ये टू ट्रक किसका खड़ा है पीडी पार्किंग के अंदर ऑफिसर स्माइल्स आता लागलं की जस्ट ल्यूटिनेंट स्माइल्स हेलो हां अरे पण टो ट्रक फक्त पोलिसांचे आहेत ना बाकी कोणाचे नॉर्मल लोकांकडे टो ट्रक नाही आहेत ओके ओके मेकॅनिकला पण पोलिसांनीच दिले वाटत आहे अरे चीप सिग्नल बिग्नल बघत नाही नॉर्मल हव्यातच असते गाडी हा ते पण आहे म्हणा चीप स्ट्राईक देतात स्ट्राईक घेत नाही आम्ही स्ट्राईक घेतो देत नाही तू जिमचं मेंबरशिप घेणार असेल तर जिम करू शकतो अगर नाही असेल तर शॉप मध्ये जाऊन फक्त तुला काय काय पाहिजे परचेस करून दे कायच नाही नॉर्मल हो ग ये ना इकडे कुठे चाललं
नाही 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 तो डायरेक्ट शॉप मध्ये जाऊन घे परचेस करून 201 205 गोइंग ऑन कोड 1 40 इथं बँडेज महाग आहेत फक्त वॉटर घे आणि प्रोटीन आपलं काय ते स्पोर्ट स्पोर्ट लंच ते घे दोनच कामाचे साइकिल लेके घुसड़े जा रहे हो बुचे में आता कुठे जायचं आपण ते व्हेकल शॉपला जायचं का व्हेकल शॉप लेजन बँक कुठं अरे ते तेव्हा माहिती होतं आता काय एवढं कळत नाही माझं एक लय मोठा प्रॉब्लेम लोचा का झालं की मी मॅपला अपडेट केलंय जर सॅटेलाइट लावलंय तर त्यामुळे ते मला जरा लय मोठ म्हणजे पहिला मॅपला सगळं माहिती होती पुरा मॅप मी विदाउट मार्क करता जात होतो पण ते सॅटेलाइट लावल्यापासून मला फुल कन्फ्युजन होतं तेच तरी प्रॉब्लेम आहे परत लावायचं कस बघू बघतो बघतो ते आज करून घेतो PDM ला जायचं का रीड एनी टाइप ऑफ बॅकअप ओके जस्ट कॉल कॉल आउट टू डिस्पॅच ओके मी नाही काढू शकत व्हेकल शॉपला जायचं आपल्याला आहेत ना ऑलरेडी पोलीस ओके सांगा मी येतोय म्हणून नाही तर सगळे एकीकडे गोळवायचे काय म्हणून काय म्हणून सांगू हा मॅडम आहे ती मैडम को फाइन दे दीजिए सर प्लीज दो सिग्नल के कितना होगा उतना अरे यार फिर साइड में अरे नहीं तो बिल ये दोनों को चला जाएगा ना हां तो ये दोस्त नहीं ये भर देंगे हमें भर देंगे मैं नहीं भर रहा मेरे को ओके जिनको नहीं भरना है तो वो दूर में जाओ सॉरी 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 सॉरी
सच्ची में गलती से गलती. हेलो डिस्पैच व्हाई देयर इज वन मोर यूनिट. एक सीरियल का तो भर दिया उसने सर. हां जल्दी जल्दी जल्दी. सॉरी सर. इट्स ओके. दिशा और आपका नाम क्या है? एक सेकंड सर, दिशा से मिलना है. सर दिशा से मिलना, जल्दी करो. दिशा वेटिंग फॉर यू एट जिम. चार्ली चलो देख के तो हां चले चले चल जल्दी करो ना. हां बोलो वो एक न्यूज़ देने की है. बोलो ना. अभी इधर नहीं दे सकते. बाहर चलो बाहर चलो. अभी चलो सर, जा रही हूं मैं. चलो 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 दिशा. झाला क्या हो गया सर ये खोलो ना दरवाजा सर प्लीज, हमको दिशा से मिलने जाना यार, हमको बुला रही है. नहीं खुला नहीं खुला है, वो खुला है. अरे मेरे को क्यों नहीं खुला दिख रहा सर? ऑफिसर भी बाहर में आ रहे. अच्छा मैं कैरी करूँ क्या? नहीं नहीं ऐसे मत करो. वो नहीं नहीं क्यों बोलो? मैनेजर तो गया, मैनेजर गया, आप पुलिस वाले. अरे लॉक कर. अच्छा इधर से खोल रहा हूं, रुको आ जाओ. हां हां खोलो. तो दिस इज ऑफिसर 505 विद प्लस 1 एंड तुम कहां से पीछे आ रहे हो? कमिंग बैक टू 1090. अरे हेलो ऑफिसर. हेलो ऑफिसर. अरे सर मैं मैकेनिक पे गया था अपनी बाइक अपग्रेड करवाने. वहाँ मैकेनिक के पास एक बंदा, उसने मुझे बहुत मारा सर. मैं भागते भागते आ गया सर. सर ब्लैक टी शर्ट है, अभी भी उधर ही है सर. ब्लैक टी शर्ट. सर आप पीडी पे आके कंप्लेंट करो ना. अच्छा ठीक है सर. चार्ली सर. जरा हट लोगे? ऑफिसर गो फॉर कोड 1010 4. जरा हट लोगे? मैं जरा आलस पानी पीऊं. Okay, I'm back. Dispatch, please look for the person who have a suspicious tattoo in his hand and he's wearing a black leather jacket. 10-4 sir. Sir, tana jaun complaint kela sir. Black coat, not leather jacket. Garage la mark karo garage la. नाम आई थी बंदा तो
एखाद टू व्हीलर बघायच का चालवायला? एक काम करू आता ऑफ ड्युटी गेल्यानंतर ना क्या है कुछ बताने की जरूरत नहीं। ओके अच्छा उसके अलावा क्या मतलब होता है? अच्छा और इसके अलावा अच्छा चलो ठीक है। आपका नाम सर? सर क्या करोगे नाम जानते? सर डीएल अपना शो कर दीजिए आप। सर जी आपका नाम सर? ड्राइविंग लाइसेंस। सर ड्राइविंग लाइसेंस क्यों सर शो करिए ना? सर जी एक सस्पेंड है। नहीं करूंगा सर आपको शो में। नहीं आप पहले सर आप शो करिए ना। नहीं सर आप पहले वारंट निकालो मैं तभी आपको शो करूंगा वरना आपको करूंगा ही नहीं। सर वारंट निकालने की बात नहीं है। यू आर ओवर अरे तो सर मैं आपको ऐसे थोड़ी दिखा दूंगा पर ड्राइविंग लाइसेंस क्या पता आपको लेकिन क्यों तो आपका नाम भी नहीं सर मैं भी तभी से बोल रहा हूँ आपको नाम नहीं बताऊँ कमांडर सर तभी पिलबॉक्स पे कार्डी की तुमको शर्म आता है ब्रेक जम करके। ओके तो लोग भाई येलो रंग की शर्ट पहन ओके सर बाय बाय कमांडर पीडीएम मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं पेट्रोल क्रेटर को रहा तो मी काय म्हणत होतो आपण ऑफ ड्युटी गेल्यानंतर एक टू व्हीलर घेऊ हा ऑफ ड्युटी मध्ये फिरण्यासाठी लाईज गडबड मध्ये ऑफिसर ऐकत पण नाही पूर्ण पहिले पूछो पूछताछ करू उनसे कोई हिंट मत देना इज अ स्कैमर कोई हिंट मत देना उसको बस नॉर्मल पूछताछ करो वैसे एज अ फ्रेंडली पूछताछ थैंक यू सर। नाही तर काय डिस्पॅच आय गॉट द वन सस्पेक्ट ही हॅव अ टॅटू राईट आर्म सर लेफ्ट आर्म ॲट मेकॅनिक शॉप ही वेअरिंग ब्लॅक सूट कितनी युनिट आपके साथ अभी देखते रहना उन पे अगर आपको हल्का सा भी शक हो हाल कम करना ओके आता युनिफॉर्म वरती जाऊन घेतले गाडी तर डिस्काउंट भेटणार का ऑफ ड्युटी जाऊन पण घेतले तर भेटल कारण चीप बोललं होतं की डिपार्टमेंट ओनरना तिथं डिस्काउंट आहे ना ते ना इथं पण म्हणलं अरे चीप बोलले होते हा
छोटा कर ला तो गैरेज लगे ला चल गैरेज ला चल गैरेज ला चल क्यू 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 चल मधिया चल क्या हुआ सर जस्ट एक बंदा गाड़ी लेके आया इधर सिग्नल उड़ा के कौन सा ये क्या हुआ सर आपने सिग्नल जम करा है ना ना ऑफिसर तो बोल रहा है अगर हमें कुछ लगता है तो सर हम भाई कहां से आ रहे बताओ चलो बुलाएंगे हां सर श्योर श्योर चेकअप के लिए सर सर पीडीएम के सामने आपने दो सिग्नल जम कर अरे नहीं नहीं सर आप पीडीएम रुके हम तो पीडीएम रुक के आए थैंक यू ना सर हम पीडीएम पे आपके पीछे ही थे वाह कहां से देखते हो सर फाइन मार रहे हैं जा सकते हैं ना सर वो दूसरे भी सर कुछ पूछ रहे थे अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन हाँ जी पूछ ले एक बार ओके अरे तला फाइनेंस मार लो ने सोडून दिलो आराम मध्ये चालू म्हणून सांगून सोडून दिलो ऑफिस आपलंच असं कसं गव्हर्नमेंटला कशाला अरे तो मन तो फाइन मारा ओके मां ना हाथ रखा पूरा का काम है तो ना गैरेज है अजून एक 10 मिनिट त्यानंतर ऑफ ड्यूटी व्हीकल परचेस आता जस्ट विचारणार होतो पेमेंट नाही भेटलं पण आलं पेमेंट काम आहे ती नाही मला एवढं कळत त्याच्यात अल्ट का मला ह्या सर्वरचे म्हणजे सिटीचे जो आहेत ना सगळ्यापेक्षा मोठे बनवलेले त्यांनी सांगितले अल्ट ठेव सोपं पडत काय नसतं त्यांनीच म्हणले की सिटी मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अल्ट कशाचाच युज नाही तुम्ही पुश टू टॉक ठेवा त्याला आणि मला सगळं सेटअप म्हणजे सगळं जो आम्ही बोलतो त्या सगळं त्यांनीच करून दिलेत मला काय म्हणजे ह्या सिटी मध्ये मला येण्यासाठी हंबल रिक्वेस्ट होती 3 दिवस हा हा ओके 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 चल मी पण जातो जरा गाडी बिडी परचेस करू आपण
काल एक मज्जा झाली. ज्वेलरी शॉप लुटत होते तीन लुटेरे, तर त्यात एक मजनू बाई म्हणून होता. मी आणि चीप गेलो होतो आणि त्याला पण आम्ही उचललं. नॉर्मल बाकीच्यांना उचलतो तसं, तर उचलून सगळ्यांना सजा दिलं. त्यानंतर कळलं तो मजनू होता, तो लुटेरा नव्हता, तो इन्फॉर्मर होता. ते आपलं ऑफिसरच्या पण ते ऑफ ड्युटी ते त्यावेळी. बॅकअपची गरज आहे. हा नो नीड म्हणतो लावाडी. काय झालं? खाली उतरून स्टोर कर ना गाडी बाजूला. बोटाची आवाज भारी येते भाई. यस सर. हाँ जी रेडियो पक्का? अरे लाजो मत बोलो. रिपोर्टिंग टू 1090 सर. बातें है. हेलो क्या हुआ? आ जाओ अंदर. कुछ हेलो सर. हाँ हाँ दिखाई दे. कुछ हुआ था सर? जय जय सर जी. आपने जो सस्पेंड हो रहा था जो टैटो वाला, उनकी इन्वेस्टिगेशन की. उनका नाम है चेक्सी, जो आपने सब बोला था. उनका ब्लैक सूट था और वो पूछताछ की. वो बोले कि मैं अभी फ्लाइट लेके आया हूँ और मेरी कार रिपेयर करने आया था. अच्छा. उनका नंबर लेके रखा है. एनी लाइक आपको कुछ लगे तो बता देना सर. देखते कोई और एक केस आता तो हम लोग को कॉल उन्हें बुलाते हैं. ठीक है कॉल कर. चलेगा चलेगा. अच्छा कोई भी कॉल करा करो तो इसका यूज किया करो. ठीक है यहाँ पे जो लैंडलाइन है ना इसका यूज करो. अपने पर्सनल से मत करना क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. नहीं नहीं इनको जिनका नंबर इन सिक्योरिटी के दे रहे क्योंकि बाद में जाके कुछ हो जाए तो नंबर काम आ जाए. तो कॉलिंग देन लैंडलाइन से करेंगे सर. एंड सर वन मोर थिंग मेरे साथ.
अरे मैंने मेरे साथ एक का कोड 0 हुआ था मेरे साथ जो थे ऑफिसर तो मैंने उनको ट्रायल किया तो मैंने गाड़ी इंपाउंड कर ली विदाउट सेइंग एनीथिंग इनको क्या हो गया आ गई कोई दिक्कत नहीं अरे आपके ये अच्छा नहीं नहीं मुझे लगा यहाँ पे कुछ आपका फट रहा है आपके कपड़े पे अरे नहीं सर कुछ मेरा अरे रुको सब सही अरे सर लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ सर आपके पुलिस वालों ने पोलाइट ये न्यू ऑफिसर पोलाइट भी बहुत है सर इतने अच्छे तरीके से सर मेरे को वहाँ से लेकर आए सर पीडी तक पीडीएम से पीडीएम पीडी तक कितने अच्छे तरीके से लेकर आए सर सही है ना पोलाइट हाँ सर वही तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर मैं कोई कंप्लेंट अच्छा अच्छा लोग मेरे को लगता है सर सब मैंने कहा कुछ लोग को पोलाइट पसंद है कुछ कहते हैं कि नहीं पोलाइट क्यों है पोलाइट नहीं होने चाहिए अरे नहीं सर वो तो डिपेंड करता है ना सर क्रिमिनल वालों क्रिमिनल के साथ करो सर वैसे वरना बिल्कुल बिल्कुल हम तो सर नॉर्मल है हम तो चाहे तो आप कुछ भी हमारे ऊपर इंक्वायरी कर सकते हो पीडीएम के ऊपर बट अरे नहीं नहीं खराब नहीं निकलेगा सर आ जाओ आपको छोड़ के आते हैं जी सर जी सर बस मैं जगह इनको ड्रॉप करके आता हूँ पीडीएम के डिस्पैच आवाज आ रही है यहाँ टेंपो ऑलरेडी जा रहा हूँ ओके ओके कहाँ जा रहे ओके अब ट्रेन से मैं जाने का ना ट्रेन से मैं जाने का ओके ओके